नमस्कार, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक की बर्फ़ी। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम अदरक धोकर साफ छील कर ले लिया है, एक कटोरी शक्कर और थोड़ा सा दूध जो हमें अदरक को पीसने के लिए यूज़ करना है। तो चलिए हम अदरक की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये अदरक के टुकड़े डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरह से अदरक को मैंने पीस लिया है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा दरदरा है। इसमें हम 2 चम्मच दूध डालेंगे और उसको फिर से पीसेंगे। ये देखिए अदरक को मैंने बारीक पीस लिया है। अदरक की बर्फ़ी बनाने के लिए आप पीले वाला ही अदरक खरीदें, वो छोटे छोटे रेशे वाला अदरक ना खरीदें, क्योंकि उस अदरक में रेशे ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से बर्फ़ी अच्छी मुलायम नहीं बनती है। इसलिए आप बर्फ़ी बनाने के लिए पीले रंग का ही अदरक खरीदें। ये देखिए इस तरह से अदरक को पीस के मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसकी बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हल्का सा घी गर्म हो गया है, अब हम उसमें ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हमें 5 से 7 मिनट अदरक को भूनते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे। और इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। चीनी डालने से हमारा ये मिश्रण इस तरीके से पतला हो गया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे धीरे धीरे इसी तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। वैसे अदरक की बर्फ़ी खाने में तीखी लगती है, पर हमने इसे पीसते समय दूध का यूज़ किया है, इससे इसका तीखापन कम हो जाता है। अब ये देखिए हमारा ये मिश्रण जमने की स्थिति में आ गया है। अब हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। प्लेट को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रख लिया है। ये मिश्रण हम इसमें निकाल लेंगे। अब मिश्रण को हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी अदरक की बर्फ़ी तैयार है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अदरक की बर्फ़ी को हम सर्दी के मौसम में बना के खा सकते हैं, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।